Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 12th of December 2020. Regarding today's topic for discussion, from mains point of view there are 7 news and from the prelims point of view there are 4 news. And guys, within few days I am going to upload the Vision IS monthly compilation of November 2020 ka Vision IS ka jo compilation hai, within few days I am going to upload. बिकॉज़ साइट पे ही नहीं आया है अब तक, ठीक है, सो टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं अब तक अपलोड कर देती थी, ठीक है. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप न्यू होगे हमारे चैनल पे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड लेट्स स्टार्ट. सो जीएस पेपर 1 से न्यूज़ है. द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द इशू रिलेटेड टू हेल्थ. तो रिसेंटली क्या हुआ है, महाराष्ट्र बिल ऑन अ सेक्सुअल क्राइम. कंटेक्स्ट देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली प्रेजेंट किया है एक ड्राफ्ट बिल, एंड दे आर गोइंग टू मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉ ऑन अ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड अ चिल्ड्रेंस. ठीक है, तो जो भी वॉयलेंस और वुमेन रिलेटेड लॉ था, ठीक है, एग्जिस्ट लॉ था, तो उसको जो है उसमें चेंजेस लाने का ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रेजेंट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और उस बिल को एज अ शक्ति एक्ट करके बोला है, ठीक है, 2020 इट विल बी द एक्ट ऑफ 2020, दैट इज शक्ति एक्ट. एंड व्हाट आर द रीज़न गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ न्यू लॉ, ठीक है, तो रीज़न इज़ दैट कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज दिखाई दे रही है इन द केसेस अगेंस्ट द वॉयलेंस, स्पेशली सेक्शुअल वॉयलेंस अगेंस्ट द वुमेन एज वेल एज द चिल्ड्रन. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि क्यों जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट न्यू लॉ ला रही है, ठीक है. अभी देखते हैं कि व्हाट डज द ड्राफ्ट बिल प्रपोज, तो क्या क्या प्रपोज करता है शक्ति एक्ट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सो सबसे पहला है कि जो ड्राफ्ट बिल है वो प्रपोज करता है चेंजेस टू द इंडियन पेनल कोड एंड द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट, दैट इज IPC CRPC एंड पॉक्सो एक्ट में जो है वो कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है. सेकेंड क्या है, द चेंजेस आर प्रपोज इन एग्जिस्टिंग सेक्शन ऑफ अ रेप, सेक्शुअल हरासमेंट, एसिड अटैक एंड अ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज, ठीक है. तो ये चारों सेक्टर्स में एग्जिस्टिंग एक्ट मतलब एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसमें कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, ठीक है. विच फोर सेक्टर्स मेनली रेप, सेक्शुअल हरासमेंट, एसिड अटैक एंड द चाइल्ड सेक्स अब्यूज. द थर्ड वन इज दैट जो बिल है वो प्रपोज करता है डेथ पेनाल्टी इन केस ऑफ रेप, गैंग रेप, रेप बाय अ पर्सन इन एन अथॉरिटी, एग्रेसिव सेक्शुअल असॉल्ट ऑफ अ माइनर एंड इन केस ऑफ एसिड अटैक व्हेन अ ग्रीवियस इंजरी इज कॉज, ठीक है. तो अगर बहुत ज़्यादा जो इंजरी अगर दिखाई दी इन सारे केसेस में देन डेथ पेनाल्टी जो है इस बिल में प्रपोज की गई है. नेक्स्ट वन क्या है, डेथ पेनाल्टी इज प्रपोज इन केस व्हेन देर इज हीनस व्हेन विच इज मतलब जो भी केसेस हीनस नेचर के रहेंगे, ठीक है, उनके लिए भी डेथ पेनाल्टी प्रपोज की गई है. एंड वेयर द एडुकेट कंसल्सिव एविडेंट इज अवेलेबल, सर्कमटेंसेस वारंटी वारंट एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, ठीक है. तो जो भी हीनस नेचर के क्राइम होंगे, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर मतलब जो भी प्रोसीजर रहेगी, ठीक है, जितने भी एविडेंस वगैरह अवेलेबल रहेंगे, सर्कमटेंस वैसे रही तो उस पर्सन को जो है डेथ पेनाल्टी प्रपोज की जाएंगी इस बिल के अकॉर्डिंग. सो दिस आर द मेन फोर प्रोविजन इन दिस एक्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं, आर देर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू द सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजन है क्या. सो ये जो ड्राफ्ट है इसमें एडिशनल लॉ जो है, ठीक है, वो भी प्रपोज किया गया है विच डील्स विद द अब्यूज ऑफ वुमेन ऑन अ सोशल मीडिया. सो सेक्शन नंबर 354E इज एडेड टू इंक्लूड द इंटेंशनली एक्ट जो क्रिएट करता है सेंस ऑफ अ डेंजर, इंटिमिडेशन एंड अ फियर टू द वुमेन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंसल्टिंग हर मॉडेस्टी बाय एनी एक्ट, डीड्स और अ वर्ड इंक्लूसिव ऑफेंसिव कम्युनिकेशन विल बी अ ऑफेंस विद अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 years एंड अ ₹1 lakh फाइन, ठीक है. तो सेक्शन 354E में ये पॉइंट एडिट किए गए हैं. अब उसके साथ साथ दिस ऑल्सो इंक्लूड अपलोडिंग morbid videos of a woman or threatening them with uploading of a photos videos which could defame cause reputed to them or violate their privacy, ठीक है. तो इसके related भी जो है उनको
पेनाल्टीज या पनिशमेंट ऑफर की जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट। अब देखते हैं प्रोविजन फॉर द फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीड कंसेंट। तो इसके रिलेटेड क्या है ये जो बिल है, ठीक है, शक्ति एक्ट जो है, ठीक है, वो जो बिल अभी आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के यहाँ पे, तो या इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिल विल ऑल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर द फॉल्स कंप्लेन और फॉल्स प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस कमिटेड स्टार्टिंग स्टेटिंग दैट एनी पर्सन हु डज दैट सोमली विद एन इंटेंशन टू ह्यूमिलेट एक्सप्लोड और थ्रीटन और डिफेम और हैरस अ पर्सन शाल फेस अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अ वन ईयर और अ फाइन और अ बोथ। ठीक है, तो फॉल्स कंप्लेंट रिलेटेड भी जो है ऑफेंस अगर किसी भी पर्सन ने किया विथ इंटेंशन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको जो है इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद दिस फाइन भी लग सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारा जो सेक्टर्स है, ठीक है, अलॉन्ग विद द सोशल मीडिया हो गया या फॉल्स कंप्लेंट हो गया, ठीक है, ये सारा जो है शक्ति जो बिल है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उसमें सारा प्रपोज किया गया है। सो इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज रिगार्डिंग द नेक्स्ट। नॉट ऑल इंडिया ड्रॉट आर कॉज बाय एल नीनो। ठीक है, तो जिसने भी कल का द हिंदू पढ़ा होगा, ठीक है, उसको ये न्यूज़ पता होगी। ठीक है, तो कल के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, जो हमारा इनसाइट का कंपाइलेशन होता है ना, वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर का कंबाइंड जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पूरा डिस्कशन होता है। ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो इनसाइड के कंपाइलेशन में, ठीक है, इनसाइड का जो डेली करंट अफेयर होता है उसमें आ ही जाता है। ठीक है, जैसे किसी ने भी जिसने भी कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, कल के ही न्यूज़पेपर में ये एल नीनो रिलेटेड न्यूज़ थी और आज ही यहाँ पे आ गई। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट न्यूज़पेपर का जो है पॉइंट ऑफ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हो जाती है। अगर आपका कभी मिस भी हो गया, ठीक है, आप बाय एनी रीज़न अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो न्यूज़पेपर, देन इफ़ यू गो थ्रू द इनसाइट, ठीक है, आपका वो कवर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे न्यूज़ की तरफ। नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट आर कॉज बाय एल नीनो। ठीक है, तो कंटेक्स्ट देखा जाए, एज पर द लेटेस्ट फाइंडिंग नियरली 6 out of 10 ड्रॉट जो हुए हैं इंडिया में, ठीक है, दिस ईयर इन अ नॉल एल नीनो ईयर। ठीक है, मतलब 10 में से 6 जो है ड्रॉट वो आए हैं इन द नॉन एल नीनो ईयर। ठीक है, एंड दैट ऑकर ड्यूरिंग द इंडिया समर मानसून सीजन इन द पास्ट सेंचुरी मे हैव बीन ड्रिवन बाय अ एटमोस्फेयरिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ नॉर्थ अटलांटिक रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन के एटमोस्फेयरिक डिस्टर्बेंस की वजह से आए हैं ऐसा फाइंडिंग में पता चला है। ठीक है, 2014 का यहाँ पे एक केस दिया गया है दैट इंडिया सॉ अ 14% रेन डिफिशियट और अ ड्रॉट and that wasn't linked to El Nino and before that 1986 or 1985 में भी इसी तरीके का दिखाई दिया था। ठीक है, तो रेन का डेफिशिएट था इंडिया में, दैट इज़ ड्रॉट कंडीशन थी कुछ रीजन्स में, बट ऐसा भी है कि वो जो है वो लिंक नहीं था किसी भी टाइप के एल नीनो का। ठीक है, तो ऐसा होता है कि एल नीनो के वजह से जो है, ठीक है, जो भी ईयर एल नीनो ईयर होता है उसके वजह से क्या होता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रॉट की कंडीशन होती है, पर दिस टाइम की फाइंडिंग में पता चला है कि नॉन एल नीनो ईयर्स में भी इंडिया में ड्रॉट जो है दिखे गए हैं। ठीक है, सो वॉट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस ड्रॉट। सो What are the factors? The first factor is that these drought are consequences of a sudden and a steep drop in the rainfall in the late August. This is one of the reason. And the second reason is that winds in the upper atmosphere are interacting in a deep cyclonic circulation above the abnormal cold North Atlantic water and thus, ठीक है, तो ये इस रीज़न की वजह से क्या होता है, thus एक जो resulting waves होती है ऑफ एयर करंट जिसको हम रोजबी waves बोलते हैं, ठीक है, वो curved होती है from the North Atlantic squeezed in by the Tibetan plateau and then it hit to the subcontinent around the mid August suffering a rainfall and throw off the monsoon and that was trying to recover from a June slump. Okay, these are the two reason, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं दिस टाइप ऑफ अ ड्रॉट। रिगार्डिंग व्हाट इज मीन बाय एल नीनो, तो एल नीनो क्या होता है, इस तरीके की क्लाइमेटिक साइकिल है, ठीक है, जो मेनली कैरेक्टराइज होती है बाय द हाई प्रेशर एरिया इन द वेस्टर्न स्पेसिफिक एंड अ लो एयर प्रेशर इन द ईस्ट एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट। ठीक है, जब एल नीनो का इवेंट होता है देयर इज अ वार्मिंग्स, ठीक है, वार्म ऑफ अ सी सरफेस वाटर, ठीक है, सी सरफेस वाटर का वार्म होता है, ठीक है,
एंड अलोंग विद दिस कहाँ पे होता है वो पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न एंड अ सेंट्रल इक्वेटोरियल स्पेसिफिक ओशियन एंड दिस इज वन फेज ऑफ अल्टरनेटिंग द साइकिल दैट इज एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन. ठीक है, अभी व्हाट आर द कॉसेस, अभी कॉज क्या है एल नीनो फॉर्म होने के, तो एल नीनो के फॉर्म होने के कॉसेस इस तरीके से है कि एल नीनो सेट इन व्हेन देयर इज अ एनोमल इन दिस पैटर्न एंड जो वेस्टवर्ड ब्लो होता है, ठीक है, ब्लोइंग ट्रेड विंड वीकन अलोंग द इक्वेटर एंड ड्यू टू द चेंजेस इन द एयर प्रेशर द सर्फेस वाटर मूव वेस्टवर्ड टू द कोस्ट ऑफ अ नॉर्थन साउथ अमेरिका एंड द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न स्पेसिफिक रीजन वार्म अप फॉर ओवर सिक्स मंथ एंड रिजल्ट इन द एल नीनो कंडीशन. ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में हमारा वैसे भी कवर हो ही गया है, ठीक है, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करने लायक नहीं था. ठीक है, इस फिगर से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है एल नीनो की कंडीशन जो है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जो वाटर है इस रीजन में, ठीक है, वो मोस्टली वार्म अप एंड फर्दर द प्रोसेस ऑफ एल नीनो ऑकर. GS2 पेपर से न्यूज है द एनके सिंह कॉल फॉर अ फ्रेश लुक एट अ 7 शेड्यूल. तो रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन है एनके सिंह, उन्होंने दे हैव कॉल्ड फॉर अ फ्रेश लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल 7th शेड्यूल. ठीक है, 7th शेड्यूल में कुछ नया देखा जाए ऐसा उन्होंने बोला है. ठीक है, इन विच द बेसिक ऑफ अलॉकेटिंग द सब्जेक्ट टू द सेंटर्स एंड द स्टेट. ठीक है, तो मतलब जैसे हम जानते हैं 7th शेड्यूल्स डील्स विद द सब्जेक्ट्स. ठीक है, जो सेंटर्स और स्टेट को अलॉट किए जाते हैं तो उसमें कुछ जो है एक नया लुक लाया जाए. ठीक है, कुछ फ्रेश चेंजेस लाए जाए ऐसा जो है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह ने बोला है. ठीक है, एंड दिस इज नेसेसरी टू गिव अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एंड टू रेनफोर्स द ट्रस्ट इन द फिस्कल फेडरलिज्म. ठीक है, तो फिस्कल फेडरलिज्म में ट्रस्ट को इन्फोर्स करने के लिए उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्टेट्स में लाने के लिए, ठीक है, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम. ठीक है, ये जो है 7th शेड्यूल में, ठीक है, कुछ एक न्यू जो है चेंजेस लाने की, ठीक है, न्यू एक लुक लाने की जो है नीड है ऐसा उन्होंने स्टेट किया है. रिगार्डिंग द 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल जो है अंडर द आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है विद द डिवीजन ऑफ अ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट होती है. ठीक है, दैट इज सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है एंड उसमें उसके साथ साथ एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं देर आर द 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑन विच द पार्लियामेंट मेक द लॉ एंड स्टेट लिस्ट का अगर देखा जाए डिटेल जो होता है वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट सॉरी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एंड स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटर लॉ बना सकता है. उसके साथ साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन हैव देयर जुरिसडिक्शन. अलॉन्ग विद दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फेडरल सुप्रीमेसी टू द पार्लियामेंट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट इफ देर इज अ आइटम ऑफ इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट का केस आया, ठीक है, इन द कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेडरल सुप्रीमेसी रहती है टू द पार्लियामेंट. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है. ठीक है, तो आपको इतनी याद तो नहीं रहेंगी पर जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं अभी एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड ठीक है फार्म बिल बहुत न्यूज़ में है एंड सेंटर हैज़ मेक अ लॉ एंड कहीं ना कहीं वो फार्म बिल जो है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है सो इट इज़ हार्मिंग द फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपको एक पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द 7th शेड्यूल लिस्ट. ओके, क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट है. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है. ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान में रखना नेसेसरी है एंड जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट वंस. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड येस देर इज अलॉन्ग विद दिस देर इज ऑल्सो अ रेसिड्यूअल लिस्ट होती है. ठीक है, जो मैटर इन तीनों लिस्ट में, ठीक है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होते दैट रेसिड्यूअल मैटर आर इन द रेसिड्यूअल लिस्ट. ओके, एंड जो यूनियन लेजिस्लेटर होता है, ठीक है, अलोन हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, प्लास्मोडियम ओवल
एंड अदर टाइप ऑफ अ मलेरिया. ठीक है, तो कंटेक्स्ट देखा जाए, नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ अ मलेरिया दैट इज प्लास्मोडियम ओवल हैज़ बीन आइडेंटिफाई इन द जवान इन केरला. ठीक है, तो टाइप ऑफ अ मलेरिया अगर देखा जाए तो मलेरिया जो है कॉज होता है बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो. ठीक है, इफ़ दिस मॉस्किटो इट्सेल्फ इज इन्फेक्टेड विद द मलेरिया पैरासाइट. ठीक है, तो एक फीमेल मॉस्किटो से होता है. ठीक है, तभी होता है जब वो जो भी मॉस्किटो है वो मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो. ठीक है, देर आर फाइव काइंड ऑफ अ मलेरिया पैरासाइट. ठीक है, कुछ दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, कुछ दिन पहले भी आया था मलेरिया रिलेटेड, तो उस टाइम पे हमने पांचों भी डिस्कस किए थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं कौन से हैं. तो सबसे पहला है कि प्लास्मोडियम फैलीपैरम, सेकेंड इज प्लास्मोडियम विवेक्स. ठीक है, थर्ड इज प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम ओवेली एंड प्लास्मोडियम नॉनलेस. ठीक है, तो ये है पांच टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट. तो अभी जो मोस्टली डिटेक्ट हुआ है केरला में, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो प्लास्मोडियम ओवेली है, ठीक है, तो उसके जो इफेक्ट है, ठीक है, सिम्टम्स जो है फीवर है, ठीक है, 4 to 48 हवर, हेडेक, न्यूसेंस एंड द ट्रीटमेंट nodality is the same as the person is infected with the plasmodium vivax and P. ovel is no more dangerous than getting a viral infection. ठीक है, तो ज़्यादा viral नहीं होता है. Moving toward the next, Justice Jain Committee. ठीक है, constituted by the Supreme Court in September 2018. ठीक है, तो उनके बारे में अगर देखा जाए, Justice Jain Committee, it work is to unveil the roj official responsible for the infamous ISRO fame case ऑफ 1994. ठीक है, तो 1994 का जो एक केस था इसरो, ठीक है, उसके रिलेटेड इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, एंड दिस केस विच डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड द रेपुटेशन ऑफ नाम्बी नारायणा, वन ऑफ द कंट्रीज प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट. ठीक है, व्हाट वाज द इशू. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑन नवंबर 30, 1994, मिस्टर रामाने नारायणा जो थे, ठीक है, ही वॉज वर्किंग ऑन अ क्रायोजेनिक एनर्जी टेक्नोलॉजी एट द प्राइमर इसरो. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम पे वो वर्क कर रहे थे. ठीक है, ये भी कल की ही हिंदू की न्यूज़ है. ठीक है, तो ये जो थे मिस्टर नारायणा, ठीक है, हु इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, तो उनको अरेस्ट किया गया था नवंबर 30, 1994 को. द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज़ अक्यूज हिम ऑफ पासिंग ऑन अ डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉइंग इसरो रिलेटेड टू द विकास इंजिन टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजिन टेक्नोलॉजी एंड PSLV फ्लाइट डाटा. ठीक है, ड्रॉइंग टू द पाकिस्तान, इस तरीके का उनको पे एलिगेशन जो थे लगाए थे. एंड पुलिस वेयर इन्वेस्टिगेटिंग दिस एंड व्हाट हैपन एट द सुप्रीम कोर्ट. बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये केस को डिसमिस कर दिया था इन 2019 एज अ क्रिमिनल फेम अप बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ फैंसी और अ नोशन. And it says the जो नारायणा है, ठीक है, उनका जो करियर है was स्मूथर. And later जो SBI है, ठीक है, which took over the probe from the Kerala police, had prominently filed a closer report in a 1996. Closer report file कर दी गई थी 1996 को. But Mr. नारायणा जो थे fought to bring his accuser to the justice. ठीक है, तो उनको जो उन पे जो allegations लगाए थे, ठीक है, उन पे जो था, ठीक है, तो he was fighting to bring a justice. And later in apex court in its 2018 judgment has called the treatment melt out the scientist which he was in the custody pathological. And further, जो कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया था केरला गवर्नमेंट को कि दे विल पे मिस्टर नारायणा 50 lakh इन द कंपनसेशन, दो इट सेड मनी हैज़ नॉट इनफ टू मेक अप फ्रॉम द टॉर्चर द साइंटिस्ट दैट हैज़ एंड्यूस फॉर अ 24 ईयर. ठीक है, तो उन्होंने कंपनसेशन तो देने के लिए बोला, पर कहीं ना कहीं, ठीक है, इतने सालों का जो उनको टॉर्चर हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टॉर्चर जैसे मेंशन किया है, ठीक है, इतना सारा का उनको जो साइकिक मेंटली उनको जो हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है पैसों से ये तोला नहीं जा सकता. अलोंग विद दिस ऑल्सो द साइंटिस्ट हैज सेड दैट द
prosecution launched by the Kerala police has a catastrophic effect on his career along with this on a personal life. ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट, उन्होंने जो अरेस्ट किया, ठीक है, उनको, उन पर जो इन्वेस्टिगेशन चला उस टाइम पे, ठीक है, उसके उनको तो बहुत ज़्यादा, उनके करियर को हो या पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. अलॉन्ग विद दिस, बिसाइड सेटिंग बैक द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द स्पेस रिसर्च. अभी देखते हैं, वो जैसे मैंने बोला कि जब उस जिस टाइम पे वो अटैक हुए, उनका उनको अरेस्ट किया गया था, उस टाइम पे वो क्रायोसनिक इंजन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे वो वर्क कर रहे थे. ठीक है, तो क्रायोसनिक इंजन, ठीक है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ रॉकेट प्रोपेलेंट एट द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. कॉम्बिनेशन होता है ऑफ अ लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, जो ऑफर करता है हाईएस्ट एनर्जी इफिशेंसी. किसके लिए हायर एनर्जी इफिशेंसी? फॉर द रॉकेट इंजन, ठीक है, दैट नीड टू प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ थ्रस्ट. स्पेसिफिक इम्पल्स होते हैं, दैट इज मेजरिंग ऑफ मेजर ऑफ इफिशियंसी अचीवेबल विद द क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, ठीक है, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन एंड द लिक्विड ऑक्सीजन, एंड इज मच हायर कंपेयर टू द अर्थ स्टोरेबल लिक्विड एंड अ सॉलिड प्रोपेलेंट गिविंग टू द सबसेंट्रियल पेलोड एडवांटेज. ठीक है, तो ये भी एडवांटेज होता है, ठीक है, एक पेलोड का जो है, इट गिव्स अ सबसेंट्रियल पेलोड का एडवांटेज देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिया? तो इंडिया जो है इज ओनली द सिक्स्थ कंट्री टू डेवलप द क्रायोजेनिक इंजन आफ्टर रशिया, US, फ्रांस, जापान, चाइना एंड रशिया. ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया को लॉन्च अ हेवी सैटेलाइट, ठीक है, जिसका वेट जो है मोर देन 2500 to 3000, ठीक है, केजी तक हो सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ क्रायोजेनिक इंजन एंड इट्स क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ अ GSLV प्रोग्राम. ठीक है, GSLV प्रोग्राम के सक्सेस के यहाँ पे भी जो है क्रायोजेनिक इंजन का मेन रोल है. उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है ऑल्सो होल्ड इम्पोर्टेंस इन दिस कंटेक्स्ट, दैट इंडिया वॉज डिनाइड दिस टेक्नोलॉजी इन 1990s बाई USA एंड वेन इंडिया वॉज मेकिंग अ डील विद रशिया एनर्जी वॉज ट्रांसफर, ठीक है, सॉरी रशियन एजेंसी टू ट्रांसफर ऑफ अ टेक्नोलॉजी. विद दिस टेक्नोलॉजी इंडिया डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर फॉर द स्पेस एजेंसी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड अलॉन्ग विद दिस इट विल ऑल्सो नॉट जस्ट हेल्प इसरो प्रोब डीपर इन टू द स्पेस. ठीक है, तो इसरो के लिए भी हेल्पफुल, मतलब इसरो के साथ साथ काफ़ी सारे सेक्टर्स में भी हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि, ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग अ एक्सटैक्ट रेवेन्यू एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू इनेबल इट फॉर मेकिंग अ कमर्शियल लॉन्च ऑफ अ हेवी सैटेलाइट बाय प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल सर्विसेज इन इंडिया कैन टैप द एशियन एंड अफ्रीकन स्पेस मार्केट विच इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड इंडिया इन दिस फ्रंट. सो दिस आर द फ्यू सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. GS3 पेपर से न्यूज़ है, व्हाट इज़ द असेट्स अंडर मैनेजमेंट. ठीक है, तो रिसेंटली हेडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन इन द करेंट फिक्सल द फर्स्ट टाइम इन द इन मोर देन अ डिकेड एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFCs आर सेट टू ग्रो अगेन एट अ रिलेटिव सबड्यूड 5 to 6% नेक्स्ट फिक्सल. ठीक है, तो ऐसा लगाया जा रहा है अनुमान कि इट कैन रिलेटिवली grow again and जो turn around देखा जाए, ठीक है, the turn around will be lead to a larger entity with a strong parentage. What are the challenges ahead? तो challenges क्या है? Despite and estimated GDP growth of 10% in the next fiscal, the overall NBFC sector जो है, ठीक है, sector की growth is likely to be slower because क्यों स्लोअर हो सकती है? बिकॉज एक्सेस ऑफ अ फंडिंग रिमेन अ चैलेंज. ठीक है, तो फंडिंग जो है उतनी एक्सेस नहीं रहेगी. ठीक है, मतलब फंडिंग एक्सेस होगी नहीं होगी, ठीक है, तो वो एक चैलेंज है, मेजर कंसर्न है, एंड दिस इज जस्ट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अ COVID-19 ऑन द एसेट क्वालिटी. द सेकेंड वन इज चैलेंज इज दैट कॉम्पिटिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटेंस फॉर फ्रॉम द बैंकिंग. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सेकेंड रीजन एंड दस दिस आर द चैलेंज अहेड. नाउ रिगार्डिंग द एसेट अंडर मैनेजमेंट. ठीक है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इट मेजर्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट विथ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट एंड देमसेल्फ. ठीक है, तो टोटल मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट एंड अ देमसेल्फ. अलॉन्ग विद दिस जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है एक इंडिकेटर होता है ऑफ अ साइज
एंड सक्सेस ऑफ गिवन फंड हाउसेस. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फिगर जहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट के सेक्टर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19-20. ठीक है, तो इस सेक्टर इस टाइम पे अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट बाय द पैरामीटर जो इन्फ्लुएंस करते हैं NBFCs के एसेट अंडर मैनेजमेंट के पॉइंट पे, ठीक है, इन दिस फिगर यहाँ पे मेंशन किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, डिक्लेयर एग्जॉस्ट पेट अवॉइड प्रोसिक्यूशन, हाउ वन टाइम स्कीम वर्क. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपहेल्ड किया है अलाहाबाद कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो गारंट करता था इम्यूनिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इफ वन डिक्लेयर इनलीगल एक्वाइजेशन और पोसेशन ऑफ एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज बिटवीन जून एंड डिसम्बर. ठीक है, इस ऑर्डर को उन्होंने अपहेल्ड कर दिया है. वाई इज द गवर्नमेंट वॉलेंटरी डिस्क्लोज दिस स्कीम, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्यों डिस्क्लोज कर दी स्कीम. जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, हैज़ कम आउट विद एन एडवाइजरी ऑन वन टाइम वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम दैट विल अलाउ द ओनर ऑफ एग्जॉटिक लाइफ स्पीशीज दैट हैव बीन एक्वायर्ड इनलीगली और विदाउट डॉक्यूमेंट और टू डिक्लेयर दिस स्टॉक टू द गवर्नमेंट बिटवीन जून एंड डिसम्बर 2020. अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा विद दिस स्कीम, गवर्नमेंट का जो एम था, ठीक है, टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ जूनोटिक डिसीजेस, डेवलप एंड इन्वेंटरी ऑफ एक्सोट लाइफ स्पीशीज ऑफ अ बेटर कंप्लायंस अंडर द कन्वेंशन ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रेड इन अ इंडेंजर स्पीशीज ऑफ अ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना दैट इज सिटीज. ठीक है, सिटीज जो कन्वेंशन है, ठीक है, एंड रेगुलेट द इम्पोर्ट. ठीक है, तो ये उसका एम था. ठीक है, अब देखते हैं कि वॉट काइंड ऑफ एग्जॉट वाइल्ड लाइफ इज कवर्ड. तो एडवाइजरी हैज़ डिफाइन किया है उन्होंने इस एग्जॉट स्पीशीज़ को, ठीक है, लाइफ स्पीशीज़ को एज एनिमल जो नेम है अंडर द अपेंडिक्स 1, 2 and 3 ऑफ अ सिटीज. ठीक है, सिटीज़ का फुल फॉर्म हमने अभी देख लिया. ठीक है, एंड इट नॉट इंक्लूड द स्पीशीज जो शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन है. एंड द प्लेन रीडिंग ऑफ एडवाइजरी एक्सक्लूड करते हैं एग्जॉस्टिक बर्ड फ्रॉम द एमएसटी स्कीम. सिटीज़ के बारे में अगर देखा जाए, सिटीज जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन वाइल्ड लाइफ बर्ड्स प्लांट डज नॉट इंडेंजर दैम. ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर्स है. अपेंडिक्स 1, 2 and 3 ऑफ अ सिटीज जो है लिस्ट कर दी है 5,950 स्पीशीज, ठीक है, दैट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉटेशन अंडर द इंटरनेशनल ट्रेड. एंड मेनी ऑफ दिस एनिमल्स सच एज इगनस लिमोर्स, किवेट, अल्बिनो मंकी, कोरल स्नेक्स, ठीक है, टॉर्टाइज आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जॉट पेट इन द इंडिया. ठीक है, हाउ बिग अ प्रॉब्लम इज इनलीगल ट्रेड ऑफ एग्जॉस्ट एनिमल इन इंडिया. ठीक है, तो जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, ठीक है, विच इन्फोर्स द एंटी स्मगलिंग लॉ, ठीक है, जो एंटी स्मगलिंग लॉ को इन्फोर्स करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिया हैज इमर्ज एज अ बिग डिमांड सेंटर फॉर एग्जॉस्ट बर्ड एंड एनिमल विथ इंक्रीजिंग इन द स्मगलिंग ऑफ एंडेंजरस स्पीशीज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड. एंड मोस्ट ऑफ द जो ये वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेड थ्रू द इनलीगल चैनल एंड दे आर सोल्ड टू द डोमेस्टिक मार्केट एज अ पेट. एंड द क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, ठीक है, सिटीज के अंडर, तो अपेंडिक्स 1 में, ठीक है, ट्रेड परमिट ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस दैट इज 3% ऑफ द स्पीशीज. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है अफ्रीकन राइनोस का विच इज थ्रीटन विद द एक्सटेंशन. नेक्स्ट क्या है, अपेंडिक्स 2 का अगर देखा जाए, ट्रेड भी जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल है 97% ऑफ ऑल स्पीशीज. एंड द थर्ड वन इज द रिक्वेस्ट फॉर द असिस्टेंस इन कंट्रोल ऑफ अ ट्रेड स्पीशीज प्रोटेक्टेड इन द स्पेसिफिक कंट्रीज. ठीक है, तो ये सिटीज के तीनों इसमें मेंशन है. रिगार्डिंग द नेक्स्ट
फैक्ट फॉर द प्रीलिम, हु इज वॉट इज द WHO प्री क्वालिफिकेशन, द प्री क्वालिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है जो सेटअप हुआ था 2001 में, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है बाय द WHO कि वो फैसिलिट करे एक्सेस टू मेडिसिन दैट मीट द यूनिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ अ क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ HIV दैट और एड्स मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है. तो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है कंसिस्ट करती है एक ट्रांसपेरेंट साइंटिफिक साउंड असिसमेंट, ठीक है, जो इंक्लूड करती है डोजर रिव्यू, कंसिस्टेंसी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड अ साइट विजिट टू द मैन्युफैक्चर. कंटेक्स्ट देखा जाए तो सिंगल डोज इंजेक्टेड टाइफॉइड कॉन्जुगेटिव वैक्सीन ऑफ अ बायोलॉजिकल ई हैज़ बीन प्री क्वालिफाइड बाय द WHO, ठीक है, मेकिंग द वैक्सीन मेकर वन ऑफ टू प्री क्वालिफाइड सप्लायर ऑफ अ TCV टू द UN एजेंसी, ठीक है, TCV दैट इज टाइफॉइड कंसेक्यूटिव वैक्सीन. महाराष्ट्र टू गिव अ फिल्म सेक्टर इंडस्ट्री स्टेटस, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इज गोइंग सॉरी इट इज मूविंग टू सैंक्शन अ इंडस्ट्री स्टेटस टू द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर. द टर्म इंडस्ट्री स्टेटस जो हैज़ नॉट एक्चुअली बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन एनी लेजिस्लेचर इन इंडिया. कन्फाइनिंग इंडस्ट्री स्टेटस basically entitle and inclusion in the state or a central industrial policy, ठीक है. तो immediate benefit क्या रहेंगे इसके, तो getting loan अगर कोई भी interest, ठीक है, with a less trouble at a lower interest, enable करेगा large investor को to be the financial partner, attract करेगा equity investment in the sector and enable करेगा developer to refinance the existing debt, ठीक है. तो ये है, ठीक है, these are the few benefit जो दिखाई देंगे. एंड नेक्स्ट क्या है, रूल नोटिफाइड टू सर्व अ वारंट इन अ मालदीव्स. तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने नोटिफाई किए है रूल फॉर द इंडियन कोर्ट टू सेंड अ समन और अ सर्च वारंट टू द पर्सन, ठीक है, अक्यूज पर्सन इन द मालदीव्स एंड वॉन्टेड इन इंडिया एज पर द एग्रीमेंट जो साइन हुआ था बिटवीन दिस टू कंट्रीज. नेक्स्ट क्या है, महाशरद, तो ये लॉन्च हुआ था महाराष्ट्र सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट थ्रू, ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा फॉर अ फ्री the tool required for differently abled people, ठीक है. महाशरद जो है stand for the Maharashtra system of a health rehabilitation and assessment of a divyang, ठीक है. In this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.